लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर कयासबाजी का दौर जारी है। एग्जिट पोल में जहां बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, जिसको लेकर नेताओं की बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा का कहना है कि एग्जिट पोल के आधार पर सरकार नहीं बनती है। जनता ने परिवर्तन के लिए जनादेश दिया है। परिणाम आने पर जनता के लिए 23 मई को सुखद समाचार होगा। देश की जनता ने परिवर्तन के लिए जनादेश दिया है और ये परिवर्तन देश के लिए सुखद होगा। और जहाँ तक एग्जिट पोल्स की बात है, तो सब जानते हैं एग्जिट पोल पर चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगा रखा था। एक सिस्टम हुआ करता था कि जब पोलिंग बूथ पर वोटर जाता था, उसके बाद एक डिस्टेंस पर एक बॉक्स और होता था, जो एजेंसी सर्वे करती थी उसमें वो अपना जो मत डाल कर उसको वहाँ पर डालते थे बिना आइडेंटिटी को रिवील किए। अब ये जो एग्जिट पोल है तो ओपिनियन आफ्टर पोल्स है, तो इसमें कोई आवश्यक नहीं कि जो व्यक्ति जिसको वोट देकर उस ओपिनियन को रखे। फिर सैम्पल साइज जो होते हैं अलग अलग होते हैं, तो हम पूरी विनम्रता के साथ कहते हैं यदि हमारे पक्ष में भी होता तो भी हम इसको खारिज करते, इसके साथ इत्तेफाक नहीं रखते। हमारा मानना है कि देश की जनता ने परिवर्तन के लिए जनादेश दिया है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार की अराजकता से त्रस्त हो चुकी थी। रोजगार की दरकार है देश के युवाओं को, महिलाओं की सुरक्षा की आवश्यकता है और बहुत से ऐसे मुद्दे जिनको लेकर के जनता ने परिवर्तन के लिए देखिए। मैं एक ही बात बोलती हूँ कि हम युद्ध लड़ते हैं और जब युद्ध लड़ते हैं तो उसको पूरे मिशन के साथ पूरा करने की हमारी कवायद होती है।